अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज वसीम जाफरी। आज आपके लिए मैं वीडियो ब्लॉग लेकर आया हूं। जैसे कि आप देखता मैं एक दुकान पे खड़ा हूं, भाई से पूछते हैं ये। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। देखिएगा भाई, ये भाई इनसे पूछते हैं भाई, अब ये नासिक ब्रांड पे किस रेट पे सामान दिलाते हैं जी भाई? क्या बात कर रहे बाबा, कंपनी आ गई, हम हर कंपनी का माल देते, कोई माल नहीं रोकते, किसी को मायूस नहीं करते। ये पैंपर है बच्चों का, भी बच्चों का आवाज है, मेहमान अचानक आ गए, उनको बिस्किट आप दे, छोटे बड़े ये देखा सुपर है, तो 20 रुपए में और ये एक्स्ट्रा भी मिल जाए, तो ये जो कौन है बच्चों को दूध पर डाल के दे, बच्चा खा रही। जैसे अगर आप देख सकते हैं, आप दूसरी दुकान पे हैं, यहाँ पर एक नए की दुकान है और इनसे बात कर पाते हैं, इनसे पूछते हैं आप वो किस रेट पे है, चलाते हैं पर रेट कितने 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 की बाल काटते हैं, पूछते हैं आप क्या रेट चलाते हैं इसके? 200 रुपये कटिंग, 200 रुपये कटिंग के। और अपना हमारे सब्सक्राइबर में क्या लाएंगे आप? अरे कहना क्या चाहते हो, रेट सब लगा देंगे आप। और ये दुकान दिखाएं भाई आप, ये देखिए गाइस, इनका ये इनकी दुकान है, दुकान का नाम है इनका, इनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ पर व्हाट्सएप नंबर है इनका, व्हाट्सएप भी है, कॉल नंबर भी है, यहाँ पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, तो आप आपके लिए मुनासिब कीमत लगा देंगे, मार्केटिंग के लिए आप मुनासिब कीमत पर। अंदर से देखें कितनी तैयारी करी हुई दुकान है, देखिए गाइस। जैसे ही अगर आप देख सकते हैं, मैं आप दिनेश घर में यहाँ पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर एक दुकान है, वो पूछते हैं ये यहाँ पर एल सी डी वगैरह भी बेचते हैं और दूसरे सामान भी बेचते हैं, हम इनसे बात करते हैं ये किसी दूसरे रेट पे सामान देते हैं, मुख्तलिफ रेटों पर क्या एक ही रेट चल रहा है उनका, प्राइस बात करते हैं और आपको रेट के बारे में। जी भाई, इनके बड़े भाई हैं, इनसे बात कर पाते हैं। वालेकुम सलाम भाई, आपके रेट क्या क्या चलाते हैं यहाँ पर? आप मेरे कार में आपकी दुकान है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ क्या रेट चला रहा है? तो मुनासिब रेट चलाते हैं सर, बिल्कुल होलसेल रेट पे हम देते हैं, बाजार पे जाकर मार्जिन रखते हैं, हमारे चीज़ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते, क्योंकि शॉप हमारी अपनी है, ठीक है, तो किराया वराया का कोई इशू नहीं है, तो इस वजह से हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते। हमारे सब्सक्राइबर ने कितने, आप सब्सक्राइबर ने क्या रेट पर लगाते हैं और कितना डिस्काउंट दे देंगे मेरे को? जब आप आएंगे क्या बात कर रहे हैं बाबा जी? देख सकते हैं यहाँ पर इनका सामान देख रहे हैं, किसी भी वैरायटी का सामान रखा हुआ है, अच्छी से अच्छी वैरायटी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, इनकी शॉप पे यहाँ पर आए और इनसे आप सामान वगैरह लेके आए, इनसे फोन नंबर वगैरह है पर हेलो भाई, देखते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है इनका, शॉप का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आए हैं सामान वगैरह लिखा है भाई से, अच्छे रेट पे दे देता है, मुनासिब रेट पे आपको लगा देंगे। जैसे अगर आप देख सकते हैं इन्हीं के बराबर में जहाँ पर अभी मैंने इनका इंटरव्यू लेता है, जैन फ्री वगैरह भी बेचते हैं और दूसरा सामान भी बेचते हैं, इन्हीं के बराबर में एक दुकान है, ये पैम्पर वगैरह बेचते हैं, लोशन वगैरह बेचते हैं, इससे पूछते हैं ये किस रेट पर चलाते हैं, ये होलसेल रेट पे भी अंकल आ चुके हैं, अंकल से पूछते हैं ये किस रेट पर लाते हैं, होलसेल रेट है इनका, ये तो रिटेल रेट चलाते हैं। बेटा लाता मुझे ना सर, यहाँ पे खड़ा होता हूँ बस, खड़ा हो बेटा आया और उसको सारी चीज़ों को बता, हमारे तो सर आएंगे आप क्या क्या डिस्काउंट कर देंगे, कितने परसेंट हमारे जो हमसे हो सकता है वो हम कर देते हैं। अच्छा, हम जो हमसे हो सकता है हम देखते हैं इसमें इतनी गुंजाइश है तो हम कर देते हैं, और नहीं है तो फिर हम भी मजबूर हैं भाई, हमने भी कमाने के लिए बैठे हैं दो रोटी। बात यह है कि मैं
पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ। ये दुकान मैंने खोली है, मेरा भी कोई आमदनी का जरिया नहीं है, यही है जो कुछ है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो हमसे हो सकता है वो हम करते, वैसे तो है भी फिर प्राइस सेंटर आपको लिखा हुआ है सर। ये आपके होलसेल रेट है या रिटेल है? होलसेल रेट है, होलसेल रेट पे है। आप इनकी दुकान पे आए, देखें इनकी दुकान पे कोई माशाल्लाह के पर भरपूर मारे, इनके पास के बाद आए आप इनके सामान वाले या अच्छे रेट देंगे आपको। इनकी ये मेन जिले चार पे थोड़ा सा आगे के इनकी दुकान है, जितने सामान वाले और जो आपको मुनासिब कीमत पर लगा देंगे। जैसे अगर आप देखते हैं यहाँ पर एक फोटो कापी की दुकान भी इनके बराबर में, जहाँ तक मैं मेरी वालों का सामान पूछा था, और यहाँ पर ये भी मुनासिब रेट पर रहते हैं, और यहाँ पर इनका नाम और नंबर भी लिखा हुआ है। आप इनसे रब्ता करें, आपको सही रेट लगा देंगे। अभी दुकान के अंदर लेके चलते हैं आपको और इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? क्या रेट चलाएंगे चलाते हैं, मतलब सही रेट क्या लगा देंगे हमारे सब्सक्राइबर में? आप आए आपको फ्री में कर देंगे, मजाक नहीं करो, सीधे बताओ। मैं से पूछते हैं क्या क्या रेट वगैरह चलाते हैं। फोटो कापी कितनी की होती है? हमारे सब्सक्राइबर में कितने की होगी? सात रुपये लगा देंगे। आप इनकी दुकान पे आए, यहाँ पर ये मेन जीरो स्क्वायर पे जवाब फोटो स्टेट की दुकान है, यहाँ पर आप आए, यहाँ से सामान जी यहाँ पर फोटो कापी वगैरह करवाए, आपको सही रेट पर लगा लेंगे। और उनके ये 3 नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे। आज के लिए बर्गर की ये आइडिया बर्गर वाले उससे पूछते हैं यहाँ पर क्या रेट चलाते हैं, किस तरीके का बर्गर होता है। मैंने मेरे भी यहाँ पर बर्गर खाया था, बर्गर होता है। आप भी यहाँ पर आए, आपको मुनासिब कीमत भी लगा देंगे भाई, इससे बात कर लिया आप जी। देखिए इनसे पूछते हैं अब ये किस रेट पर चलाते हैं भाई? हमारा सादा 80 रुपये का है, बनने वाला 120। सिंगल एक दफा जो खा के आता है हमारे ससुराल में क्या डिस्काउंट लगा देंगे वो जब आएंगे खाने के लिए, तो फिर देखेंगे। रेट बताएं किस रेट पे लगा सकते हैं आपके लिए, क्या क्या गुजर हो सकते हैं आपके? एक दफा जो 120 का वो 110 का दे दीजिएगा। हमने इनसे पूछा है अभी यहाँ पर ये रेट वगैरह क्या ज़्यादा चलाते हैं, और हमारे सब्सक्राइबर के लिए थोड़ा सा कम रेट लगा लेंगे। आप इनकी दुकान पे आएँ और कहते हैं यहाँ पर इनकी दुकान के पीछे नहीं देखें, और उन्होंने तो आपकी दुकान के थोड़े साफ सुथराई दिखाता हूँ, कितना प्यारी साफ बनी हुई दुकान है। ठीक है गाइस, आप इनकी दुकान पर आएँ और इनसे बर्गर खा के जाएँ इनसे, ये अच्छा बनाता है बर्गर। ये उन्होंने बाहर ढेर लगाया हुआ है और अंदर इनकी दुकान है, दुकान के सामने ढेर लगाया हुआ है। आप इनकी दुकान पे आए, इनके बर्गर खा के जाके आए, ये बारह सूट पहने हुए हैं, इनसे यहाँ पर रेट वाला मालूम करते हैं क्या रेट चलाते हैं यहाँ पर, किस तरीके का ये बनाते हैं मिठाई वगैरह, मिठाई बनाने के तरीके भी पूछनी थी थोड़ा सा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हमारे एक भाई खड़ा हुआ है, इनसे पूछते हैं यहाँ पर ये किस तरीके बनाते हैं आपके, आपकी जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपके खाना बनाते हैं, जो चीज़ खाने की चीज़ें बनाते हैं, ये किस तरीके से आप बनाते हैं, इनके रेसिपी पूछते हैं इसकी। आप किस रेट पे चलाते हैं? किस रेट पे चलाते हैं? किस रेट पे चलाते हैं? अलग अलग रेट है, मुख्तलिफ रेट हैं। हमारे ससुराल में कितना है वो डिस्काउंट हो जाएगा, 100 में कितना हो जाएगा? फिफ्टी परसेंट हो जाएगा, 50% आपकी लिए डिस्काउंट लगा सकते हैं। और इन भाई से पूछते हैं किस तरीके से बनाते हैं, भाई से रेसिपी पूछते हैं ये किस तरीके से बनाते हैं। कितने पैसे बताए सर आपने? भाई बताएं कि आप ये किस तरीके से बनाते हैं, क्या चीज़ डालते हैं मैं किस तरीके आप चिकन वगैरह होती है। हमारे ससुराल में बताया किस तरीके आप बनाते हैं, मतलब ये कितना कारीगरी बनाते हैं? यहाँ पर सेल में नहीं करते हैं, खाली बस प्रोडक्ट बनाते हैं। और आप आपको दुकान के अंदर लेके चलते हैं, बात करते हैं भाई से।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम दुकान के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर मारूफ स्वीट्स के अंदर आ चुके हैं। भाई से पूछते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर उनकी रेसिपी पूछते हैं किस तरीके से बनाते हैं भाई। जी भाई बनाने का पूछ रहा हूँ किस तरीके से बनाते हैं आप खाली पैकिंग करते हैं? आप खाली पैकिंग करते हैं? अच्छा आप मेरे क्या डिस्काउंट लगा देंगे 100 में? कितना डिस्काउंट लगा देंगे हमारे सब्सक्राइबरों के लिए? मैं जब भी आपके मैंने बहुत नाम सुना है, मैंने आपकी मिठाई वगैरह अच्छी होती है, मैंने यहाँ पर खाई भी आपकी मिठाई, इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा था आप मेरे सब्सक्राइबर में क्या डिस्काउंट लगा। चले हम जो शॉप के ओनर हैं उनके पास चलते हैं, उनसे वालिंग बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मैं पूछ रहा था आप मेरे सब्सक्राइबर में क्या डिस्काउंट लगा सकते हैं? मैंने भाई से बात करी, आपके बर्गर से बात करिए, आपके बर्गर से बात करिए, मैंने कितना डिस्काउंट लगा सकते हैं? मतलब आप जो हमारे आपके वो आते हैं कस्टमर आते हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर में क्या डिस्काउंट लगा देंगे? जैसे हमारे कोई सब्सक्राइबर आपके पास आए सामान खरीदेंगे, आप डिस्काउंट वगैरह कितना कर लेते हैं? लोगों से बात करी और आगे चलते हैं, और आपने थोड़े दिन लोगों के पास गए थे बात करी थी, और यहाँ पर भाई से पूछा हमने आपके लिए 50% डिस्काउंट लगा दी आप लोगों के लिए, आगे चलते हैं आपके लोगों से बात करते हैं, आप लोग जो कितने रेट वगैरह कैसे आते हैं वो रेट लगा दिए आप लोग हमारे से बात करते हैं। और इस तरफ आए हैं थोड़ा आगे की तरफ आए हैं, आगे की तरफ मेन जिनिश कह रहे हैं भाई से ही पूछते हैं कि क्या रेट चला रहे हैं, किस रेट में देते हैं यहाँ पर ये जूस। तो भाई मेरे इनका जूस मैंने भी पिया हुआ बहुत दफ़ा, मैंने पिया है ये जूस बड़ा अच्छा बनाते हैं, इनसे पूछते हैं किस तरीके से बनाते हैं ये जूस और किस रेट पे चलाते हैं। कितने का क्या रेट चलाते हैं जूस के? 40 रुपये का गिलास है भाई, 40 रुपये का है। अब हमारे सब्सक्राइबर आपके पास आए आप जूस में लेंगे, आप क्या लेंगे इसको? वही करेंगे जो डिस्काउंट के लिए भाई, इसमें क्या डिस्काउंट, इतनी महंगाई में 40 रुपये में? जैसे आपने सही बोला है, यहाँ पर थोड़ी महंगाई है, बहुत मुश्किल है बोला भाई, महंगाई में 50 रुपये पहला तो कल नहीं रहे लोगों की वजह से ना, लोगों की वजह से इतनी महंगाई है हमारी भी। आप किस तरीके बनाते हैं जूस? जी जूस बनाने का तरीका बताएं। जूस केले है ये आपके सामने, केले है और हमारा बोतल वाला दूध है और शीरा है, चाशनी चीनी का कलर है, आपने यहाँ पर आए भाई के पास, इनसे जूस वगैरह पी के जाए, बड़ा अच्छा बनाते हैं, जमी बनाते हैं बिल्कुल टेस्टी बनता है इनका जूस, यहाँ पर आके पिए बिल्कुल अच्छा बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा हमने लोगों से इंटरव्यू लिया, दुकानदारों के पास गए, रेट वगैरह मालूम करे और उनसे आपने डिस्काउंट भी लगाया आपने, और आपको ये भी आप इस वीडियो को एंड करते हैं और लाभ देते हैं, आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो लाजमी आप सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट कल तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा आप तक, और आप मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करेंगे गाइस, तब तक फिर आपको लाभ इस कहते हैं। के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।